नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश प्लानिया, एकेडमिक हेड सीएलसी एनडी एकेडमी सीकर। बेसब्री से जिस दिन का इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ ही गया, एनडीए अप्रैल अटेम्प्ट 2024। बच्चों, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि आपने पूरी साल जी तोड़ मेहनत की है, आपने काफ़ी मॉक टेस्ट दिए हैं और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए आपने काफ़ी प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। जैसे ही बच्चे पेपर दे के लौट रहे थे, उनसे मेरी बात हुई, जो हमारी टीम है उनसे मेरी बात हुई, तो उनका कहना है कि मैथ का जो पेपर है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंथी हुआ है, लेकिन उसमें सीएलसी एनडीए एकेडमी के बच्चों के लिए एक अच्छी बात भी है, क्योंकि इस बार मैथ का पेपर है वो जेई मेंस के लेवल का क्वेश्चन, मतलब 60% के आसपास क्वेश्चन वहाँ से बने हैं। इवन 3-4 क्वेश्चन जेई मेंस के पीवाईक्यू से डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आए हैं। और आपको पता है कि आपके सीएलसी एनडीए एकेडमी का जो स्टडी मटेरियल है और जो उसकी टीम है वो पूरी जेई के बेसिस पे है, तो ये तो हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर लेंथी भी रहा है, उसके पीछे रीज़न है कि कैलकुलस का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन वेटेज है वो क्वेश्चंस को कम दिया है। सेकंड पेपर की अगर हम बात करें, गेट जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसके अंदर इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी रहा है सेप्टेम्बर अटेम्प्ट के कंपेरिजन में। उसके सेकेंड पोर्शन जीएस है, जीएस के अंदर केमिस्ट्री और बायो का जो पोर्शन है वो 9th और 10th की एनसीईआरटी लेवल पे क्वेश्चन बना है, तो नो डाउट वो इजी ही बना है। उसमें 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 1 क्वेश्चन बायो में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लेवल का है, बट वो 9th और 10th की एनसीईआरटी लेवल पर ही है। उसके अंदर फिजिक्स का है, तो फिजिक्स का एज यूजुअल एज वो 11th 12th को भी टच करता है, तो जो लास्ट ईयर जैसा पेपर रहा है वैसा ही फिजिक्स में रहा है। नेक्स्ट पेपर इसके अंदर रहता है जीके का पेपर हमारा, जनरल नॉलेज का। उसके अंदर हिस्ट्री से 3 पोर्शन से क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, ज्योग्राफी से रिवर है, क्लाइमेट है, वहाँ से भी क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, इवन तक करंट अफेयर के क्वेश्चन 8-10 आए हैं। बट अगर इन दोनों पेपर की अगर हम बात करें, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैथ का पेपर थोड़ा सा लेंथी हुआ है, जिससे कि गुड अटेम्प्ट उसके 50-60 रह सकते हैं। और गेट का पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत इजी रहा है, लास्ट अटेम्प्ट के कंपैरिजन में बहुत इजी रहा है, तो नो डाउट जैसा भी रिजल्ट आएगा वो अपना बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि पेपर का लेवल हमने जो मॉक और प्रैक्टिस सेट दिए हैं उसी से क्वेश्चन बना है। तो बेटा चलो, एक तो बात ये हो गई, दूसरी आपकी सीएलसी आपके एनडीए के लिए कौन कौन से कोर्सेज लेकर आ रही है। तो आपकी सीएलसी टारगेट कोर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रन करती है, जो टारगेट कोर्स मतलब 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, और फाउंडेशन जो कोर्स है वो ओनली एंड ओनली इंग्लिश मीडियम में रहता है। तो आप अपनी सीएलसी के इन तीनों में से कोई भी कोर्स से जुड़ना चाहें तो आपकी सीएलसी एवरी थर्सडे को बैच स्टार्ट करती है। तो एक तो बात ये रही हमारी, और साथ ही अब जो बच्चा पेपर दे कर आया है उसकी क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं मेरे पेपर का एनालिसिस करूं, तो उसके लिए आपकी सीएलसी वीडियो सॉल्यूशन लेके आई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो सॉल्यूशन। ओके, हेलो बच्चों, वेलकम, जय सीएलसी। मायसेल्फ प्रदीप ताखर, टीम मैथमेटिक्स सीएलसी सीकर। आज बच्चों अपना जो एनडीए पेपर हुआ बेटा, उसका अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पेपर बच्चों बहुत अच्छे लेवल के सवाल इसमें बेटा आए गए हैं पेपर, है ना। तो बेटा पहला सवाल मेरे पास है ना बच्चों, ये सवाल आपके पास कुछ ऐसा था भैया ना, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए एक्स माइनस का बी, है ना। तो बेटा ये सिंपल कंडीशन आपसे पूछा हुआ है कि बेटा किस कंडीशन के थ्रू फंक्शन के पास है ना मैक्सिमा बच्चों आएगा। तो बेटा मैक्सिमा के लिए है ना एफ डैश जीरो हेड टू बी जीरो, एंड बच्चों सेकंड डेरिवेटिव आपको पता है बेटा नेगेटिव होगा, तो बेटा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट बेटा सेकंड सवाल, द फंक्शन वाई एक्स हैज रिलेटिव बेटा मैक्सिमा। तो बच्चों रिलेटिव मैक्सिमा के लिए इस फंक्शन के पास है ना बेटा, इसका अपन डेरिवेटिव करेंगे वाई डैश, दैट इज एफ डैश एक्स प्लस ए बच्चों, है ना। तो इट शुड बी जीरो बच्चों, है ना। तो ए पक्का जीरो आपके पास आएगा बच्चों, ए जीरो वाला ऑप्शन आपके पास बी है ना। तो बेटा सवाल का आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये बच्चों आपका सिंपल है, माइनस वन से लेके जीरो बच्चों आपके पास एच एक्स फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स का प्रोडक्ट है, तो जी एक्स हमारे पास माइनस वन बनेगा, तो माइनस वन इंटू ये मेरे पास बन गया मोड ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक है। अब बच्चों मेरे पास है ना, इसको इंडिकेशन करेंगे बेटा तो सवाल का आंसर आएगा 1/2, है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये भी सिंपल ही है, मतलब इसको दो पार्ट ब्रेक कर लो आप, जीरो से वन बेटा यहाँ पे जीरो आएगा, एंड वन से टू बेटा वहाँ पे
जेएफ तुम्हारे पास वन बनेगा, दैट इज मोड ऑफ एक्स माइनस वन एन डी एक्स। बेटा ये भी डी आंसर आएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सिंपल इंटीग्रेशन करना है इसका बस, तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन। बेटा इसको रेशनलाइज अपन करेंगे तो रूट ओवर एक्स प्लस वन प्लस रूट ओवर एक्स माइनस वन अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस वन प्लस रूट ओवर एक्स माइनस वन बच्चों, है ना। अब बेटा ये तुम्हारे पास नीचे वाला बेटा ये वन बन जाएगा, बेटा इसका इंटीग्रेशन तुम्हारे पास आएगा थ्री बाई टू, सॉरी हाँ टू बाई थ्री एक्स प्लस वन पावर थ्री बाई टू और प्लस टू बाई थ्री इंटू एक्स माइनस वन पावर थ्री बाई टू, है ना। तो बच्चों एल्फा एंड बीटा पूछा बेटा, तो एल्फा भी तुम्हारे पास टू बाई थ्री एंड बच्चों बीटा नेक्स्ट वाल में बीटा विल ऑल्सो विल बी टू बाई थ्री बच्चों, ना डी आंसर। नेक्स्ट पाए जाओ बच्चों, बेटा ये तुम्हारे पास है ना सर्कल दे रखा भी बच्चों, ये सर्कल तुम्हारे पास का सेंटर क्या 1.0 पे इसकी रेडियस बच्चों तुम्हारे पास 1 अभी है ना, तो ये सर्कल तुम्हारे पास कुछ ऐसा बच्चों बनने वाला है, ये सर्कल ऐसा बनेगा, ठीक है। बेटा ये लाइन इसको ऐसे है ना डिवाइड कर रही है बच्चों, इसका माइनर पार्ट बच्चों मेजर पार्ट है, है ना। तो बच्चों आप इसको माइनर पार्ट को इसको निकालेंगे ना आप, तो ये तुम्हारे पास बनेगा भी इंटीग्रेशन बेटा, ये पॉइंट आएगा 1.1, है ना। तो बच्चों इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, अपर बच्चों ब्रांचेस की आपके पास आ रही है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस का वन माइनस बच्चों ये ब्रांच हमारे पास आ रही है एक्स, ठीक है। बेटा इसको तुम कैलकुलेट करके बेटा इसका आंसर निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों ये वाला आंसर तुम्हारे पास आएगा, तो बच्चों ये मेजर पार्ट तुम्हारे पास ए वन जो तुम्हारे पास है ना, ए वन पूछ बोला हुआ ना, ए वन इज द मेजर पार्ट, तो बच्चों ए वन तुम्हारे पास आएगा भी टोटल एरिया माइनस दिस माइनर पार्ट बच्चों, है ना। तो ये तुम्हारे पास आएगा थ्री पाई प्लस का टू अपन फोर, ना डी बच्चों इसका आंसर सही है। नेक्स्ट बेटा ए वन ए टू फाइंड करने के बाद इसका आंसर हमारे पास बनेगा पाई। नेक्स्ट पाए जाओ बच्चों, ये बेटा फंक्शनल इक्वेशन का सवाल है, आप बच्चों इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, नेक्स्ट आप एक्स को बेटा रिप्लेस कर दो वन अपॉन एक्स से, तो ये बनेगा थ्री ऑफ एफ ओ वन अपॉन एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बच्चों, है ना। इसको बेटा समीकरण दो बोल दिया बेटा, वन एंड टू से आप एफ एक्स को सोल्व कर सकते हो बेटा, है ना। ये बनेगा तुम्हारे पास डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पा जाओ, नेक्स्ट बच्चों एफ एक्स हमारे पास आएगा बेटा, तो केवल इंटीग्रेशन करना बेटा, तो इसका पहला आंसर आएगा। नेक्स्ट पा जाओ बच्चों, बेटा इसके दो आंसर आपको निकालने में, ठीक है ना। तो डी वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन बच्चों करेंगे तो वाई तुम्हारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का कॉन्स्टेंट सी वन। अब बेटा बोला वाई वन जीरो कब बनेगा भाई, जब सी वन जीरो होगा, तो वाई वन तुम्हारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर बाई टू एंड वाई टू तुम्हारे पास बच्चों बनेगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का फोर। बेटा ये दोनों अगर आप कभी भी आपस में कट नहीं करेंगे तो तुम्हारे पास देर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा नेक्स्ट सवाल, बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करना है, तो बेटा वाई डैश का आप करेंगे ना, तो तुम्हारे पास ई पावर एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस का बी इंटू कोस एक्स और प्लस का बच्चों वाई बनेगा, ठीक है ना। बेटा सेकंड डेरिवेटिव इसका करेंगे ना, तो तुम्हारे पास बेटा ये सी सवाल का आंसर हो जाएगा, सी आंसर डेल्टा। नेक्स्ट पा जाओ बच्चों, अच्छा बेटा इसमें सिंपल आपको बेटा पुटिंग करना, बस कुछ भी नहीं करना है ना बेटा, ये वाला कंडीशन आप यूज करोगे एफ ओ जी एक्स इक्वल्स टू जी ओफ एफ एक्स, है ना बेटा। तो तुम्हारे पास एफ ओ जी एक्स तुम्हारे पास क्या बनेगा, ए इंटू सी एक्स प्लस का डी माइनस का बी इक्वल्स टू बच्चों तुम्हारे पास है सी ऑफ ए एक्स माइनस का बी प्लस का डी बच्चों, है ना। तो बेटा ए सी एक्स आपके पास ए सी एक्स कैंसिल बच्चों हो जाएगा और ये जो डी पार्ट बच्चों आपके पास है वो सही आंसर बच्चों बनेगा सवाल का, ठीक है। नेक्स्ट पा जाओ, अच्छा बेटा ये तो सिंपल सवाल है, ये जो फंक्शन तुम्हारे पास ओड फंक्शन बेटा है, ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो भाई, जीरो बच्चों बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पा जाओ भाई, बेटा यहाँ पे ना इसकी बेटा 0.6 अभी है ना, इसका बेटा पावर 5 लेंगे आप, तो बेटा 2 माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स इसका होल पावर 2 और बेटा इसका पॉइंट पावर 5 लेंगे 3 बन जाएगा ना, और ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 इसका पूरे का बच्चों पावर 5, तो इसका ऑर्डर बच्चों 2 है, डिग्री 5 है बच्चों, है ना। तो डी आंसर सही है। नेक्स्ट पा जाओ बेटा, ये सवाल तुम्हारे पास है ना बच्चों, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हो जाएगा आराम से, तो डी वाई अपॉन वाई पावर 3 और बच्चों 2 ई पावर एक्स डी एक्स। अब बच्चों दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें आप, इंटीग्रेशन बच्चों करेंगे तो इस वाली चीज का बच्चों वैल्यू तुम्हारे पास वन आ जाएगा, ठीक है ना, दैट विल टेक वैल्यू वन। नेक्स्ट, अच्छा बच्चों ई पावर माइनस एक्स एक पॉजिटिव बच्चों फंक्शन है, तो बेटा ये वाला चीज बच्चों सेम हो गया बेटा, दोनों इंटीग्रेशन क्या बोलो भी सेम ही आएंगे, क्यों, क्योंकि बेटा फंक्शन आपके पास पॉजिटिव है, फंक्शन बच्चों तुम्हारे पास क्या भी पॉजिटिव बेटा, तो तुम्हारे पास बच्चों पी एंड क्यू बोथ आर सेम, है ना बच्चों, दोनों सेम ही आएंगे, ठीक है। तो डी आंसर राइट है। नेक्स्ट पा जाओ बच्चों, बेटा ये तुम्हारे पास किंग रूल का सवाल है, बेटा किंग रूल में क्या बोलो भाई बच्चों, आई तुम्हारे पास है जीरो से लेके पाई बाय टू और
ए प्लस का साइन एक्स अपॉन 2a प्लस का साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, और बच्चों इसका ना अगेन बाय प्रॉपर्टी 4 से 0 से लेके पाई बाय 2, ये भी बेटा a प्लस का कोस एक्स अपॉन 2a प्लस का साइन एक्स और बच्चों प्लस का कोस एक्स, बेटा दोनों अपन ऐड करते हैं भी तो ट्वाइस i मेरे पास बच्चों बनेगा पाई बाई 2, तो i बच्चों बनेगा मेरे पास पाई बाई 4 ना बेटा, तो इंटीग्रल की बच्चों जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास आ गई पाई बाई 4। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, बच्चों नो नेगेटिव वैल्यूज के लिए बेटा यहाँ पे क्या मैक्सिमम भी बच्चों नहीं रख रहा है और मिनिमम बच्चों नहीं रख रहा है, तो पहले इसका आप डेरिवेटिव कर लो, तो एफ डैश एक्स हमारे पास का बेटा बनेगा 16 बाई 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस का 4b इंटू 2x प्लस का 1 बच्चों, ये से कैंसिल आपके पास हो गया, तो इसका d निकालो बेटा, d बनेगा b स्क्वायर, तो 64b स्क्वायर माइनस का 64 बच्चों है ना, तो 64 बेटा कॉमन आएगा b स्क्वायर माइनस 1 बच्चों है ना। अब बेटा ये तुम्हारे पास क्या पॉजिटिव बच्चों वैल्यूज ले रहा है, तो 0 से बच्चों 1 में आंसर सवाल का आ गया। नेक्स्ट, अच्छा बेटा ये जो डिफाइंड आपके पास है बेटा वो x नेगेटिव के लिए डिफाइंड है, ये बच्चों कभी डिफाइंड है ना, ये बेटा नेवर डिफाइंड, तो एफ एक्स हैज सम डोमेन और जी एक्स विल हैव नो डोमेन। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ये सिंपल सवाल, इसका सेंटर तुम्हारे पास क्या बनेगा माइनस 1 को माइनस 3, अब इसका रेडियस क्या बनेगा अभी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, तो 1 प्लस 9 माइनस 1 बच्चों है ना, तो आर बन गया तुम्हारे पास 3 है ना बच्चों, तो आपको फाइंड करना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आपके पास सवाल का बच्चों आंसर बन गया 19। नेक्स्ट पा जाओ बेटा, स्पेयर के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, तो स्पेयर का इक्वेशन क्या बनेगा अभी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 वाई प्लस 1 वाई माइनस 1 प्लस जेड माइनस 2 इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू बेटा 0। अब बेटा इसको कंपेयर आप करेंगे ना तो सवाल का आंसर आएगा माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, द नंबर ऑफ पॉइंट्स बेटा ये लाइन आपके पास कौन सी बोलो भाई, ये बच्चों लाइन मेरे पास ये x इक्वल टू 5, सो देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, अच्छा बेटा इसको आपको ना एल कोमा एम कोमा एन आर द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, तो इसके डी आर बोलो क्या अभी 2 माइनस 3 और 6 बच्चों है ना, इसके डीसी क्या बनेंगे बताओ, यहाँ से डीसी बच्चों बनेंगे इसके 2 बटा 7 माइनस का 3 बटा 7 और बच्चों 6 अपॉन 7, ये एल बच्चों एम और एन है ना बेटा, सब कुछ यहाँ पुट करके बेटा आप सवाल का आंसर निकाल सकते हो भाई। ठीक है ना, जो सब कुछ पुट करने के बाद सवाल का आंसर हमारे पास ये वन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 25, ए लाइन थ्रू दिस वन विद द डायरेक्शन रोटेशन है ना मीट द प्लेन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों। अब बेटा आपको पता है कि जो लाइन और बेटा प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो लाइन पे भी होगा और बच्चों वो पॉइंट प्लेन पे भी होगा। अब बच्चों आप सिंपली इसको वेरीफाई करके देख सकते हो बच्चों कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो प्लेन पे आपको दिख रहा है बच्चों, ये पॉइंट बच्चों प्लेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बेटा, ये भी प्लेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बच्चों, ये प्लेन भी क्या बोलो भी पॉइंट बेटा इस प्लेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बच्चों, केवल ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, तो सी सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट पा जाओ, पी इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन बच्चों, इनका प्लेन का इक्वेशन बनेगा तुम्हारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, तो बच्चों पी तुम्हारे पास बनेगा माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 3 है ना, तो बच्चों पी स्क्वायर 3p स्क्वायर तुम्हारे पास क्या बनेगा बेटा सवाल का आंसर बच्चों 1 आ गया। ठीक है ना, सवाल का बच्चों आंसर आपके पास आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, अभी इनको ऐड कर दीजिए आप, ऐड बच्चों करेंगे आप तो तुम्हारे पास 3l प्लस का 4n इक्वल टू 0 बच्चों, तो तुम्हारे पास l बच्चों बन जाएगा यहाँ पे माइनस का 4n अपॉन 3। अब बेटा ये l आप यहाँ पुट कर दो बच्चों ना, तो आप m m बच्चों सब कुछ इस फॉर्म में लेके आ सकते हो बेटा, सवाल का आंसर b आंसर देगा सवाल का। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, इफ ए वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा, इनका बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो आप, और बेटा आपके पास ये बच्चों लाइन ऐसे पास करेगी बेटा, ये a और b बच्चों ना मिड पॉइंट वाले बेटा, ये आपके पास सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, b आंसर बेटा, इसमें आपके पास क्या देखो भी बच्चों, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा, इस पॉइंट से पास करने वाला लाइन बेटा ना सेटिस्फाई करना चाहिए बेटा, तो बेटा ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बच्चों, ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा बेटा, ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा बेटा, केवल बेटा इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो बी आंसर राइट है। आ जाओ 30 में, टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन द लाइन बेटा, अगेन इसमें भी बेटा सिंपल वही है बच्चों, ट्रिक आपको पेपर में टाइम तो सेव करना ही है। अब बच्चों देखो भी, ये बच्चों जो पॉइंट है बेटा इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा भाई बेटा, इस पॉइंट पे इस लाइन बेटा ये पॉइंट भी नहीं आ रहा बेटा, ये पॉइंट भी नहीं आ रहा बेटा, केवल पहला आंसर आ रहा है ना, सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे जाओ, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स, 2 बॉल्स बेटा सिलेक्शन कर रहे हैं ना,
सो इस बात का प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों का सेम कलर अभी, तो बेटा सेम कलर का या तो दोनों ब्लैक या दोनों बेटा रेड अपॉन 9C2। बच्चों ये करने पे तुम्हारे पास सवाल का आंसर आएगा 4/9 बच्चों, तो सी आपके सवाल का आंसर राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, इसमें प्रोबेबिलिटी सिंपल वो लगाना, अभी एनपी तुम्हारे पास 5 आ रहा बेटा, और ये वेरियंस बेटा इसका एनपी क्यू तुम्हारे पास क्या अभी 4 बच्चों, है ना। तो आप बेटा यहां पुट करके देख सकते हो, अभी क्यू तुम्हारे पास 4/5 और बच्चों पी तुम्हारे पास 1/5। अब बच्चों फॉर्मुला लगा सकते हो भी, है ना, कि बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 तुम्हारे पास क्या बनने वाला भी, ये बच्चों बनेगा 25C3 और पी पावर बच्चों 22 और आपके पास क्यू पावर 3 बच्चों, है ना। इससे आप बेटा कंपेयर करने से बच्चों लैम्डा निकालोगे ना, तो वो तुम्हारे पास बेटा इसका सवाल का आंसर 23 आएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भी, फोर द बेटा फॉलोइंग डाटा बच्चों, है ना, इसे बेटा रिग्रेशन लाइन बच्चों एक्स वाई आप बना सकते हो भी, यहाँ पे बच्चों एक्स है फिर वाई बेटा फिर सिग्मा एक्स बच्चों फिर सिग्मा वाई, है ना बेटा फिर एक्स वाई, तो बेटा ऐसे करने से तुम्हारे पास सवाल का आंसर 11 आएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भी बच्चों, इसमें आप है ना एम वन निकाल लीजिए बच्चों, एम वन तुम्हारे पास आएगा माइनस का 1/2 और बच्चों एम टू तुम्हारे पास आएगा माइनस का 2/3। अब बच्चों टेन थीटा निकाल लीजिए, टेन थीटा फॉर्मूला आप जानते हो भी, है ना, मोड ऑफ एम वन माइनस एम टू, तो माइनस 1/2 प्लस का 2/3 अपॉन 1 प्लस माइनस 1/2 इंटू माइनस का 2/3 बच्चों, ये तुम्हारे पास बेटा आ रहा 1/8। ठीक है, अब बच्चों आपको फाइंड करना है टेन 3 थीटा का भी, तो टेन थीटा तुम्हारे पास है तो बच्चों आप आराम से टेन 3 थीटा निकाल सकते हो, ये तुम्हारे पास बनेगा 3 tan थीटा माइनस का 10³ थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 × tan²θ। बच्चों यू कैन पुट 10θ हियर, है ना, तो बच्चों ये तुम्हारे पास बनेगा आपके पास 191/488, है ना। अब बच्चों 488 से इंटू करेंगे भी तो पहला आपके सवाल का आंसर बच्चों हो जाएगा सब। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर बेटा, ये तुम्हारे पास 9 इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट 36 बच्चों, आप इस सिंपली है ना इसमें एबी 1 2 3 बेटा एपी के अंदर है, तो 1 1/2 और बच्चों 1/3, ये बच्चों तुम्हारे पास एसपी के अंदर बेटा जाएगा, ये 1 है ये ए ये बी बेटा सी, है ना, ए बी और सी बच्चों। अब बेटा यहाँ पे पुट करो आप करोगे ना बेटा, तो ये भी आंसर है बच्चों, ये भी आंसर है। तो बच्चों मेरे अकॉर्डिंग बेटा, हम लोगों के अकॉर्डिंग इस सवाल के दोनों आंसर राइट हैं, पहला भी सही बेटा दूसरा भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट 37 बच्चों, है ना। अच्छा बेटा इसमें देखो सवाल को ढंग से पढ़ेंगे बच्चों, है ना, कि आपके पास सीडिबल ऑयल है सोल्ड एट द रेट्स 150, 200, 250, 300 बच्चों रुपीज पर लीटर इन द 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, एज्यूमिंग दैट एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन ऑयल बाई फैमिली इन एवरी ईयर बच्चों, है ना। तो बच्चों मान लीजिए बेटा उसने ना कोई अमाउंट बेटा एक्स बच्चों पीसेस के थ्रू बेटा अमाउंट ए खरीदा भी, नेक्स्ट बेटा ईयर में क्या बोलो भाई थोड़ा बेटा वाई अमाउंट बेटा क्या बोलो भाई सेम अमाउंट खरीदेगा बच्चों, नेक्स्ट में क्या बोलो भाई 250 × z दैट इज ऑल्सो ए, लास्ट बच्चों क्या भी 300 × k बच्चों ऑल्सो इक्वल्स टू ए। तो आपके पास पूछा हुआ है कि व्हाट इज द एवरेज, तो बच्चों एवरेज मीन एक्स बार क्या बोलो भाई 4a/x + y + z + k बच्चों, सब कुछ यहां पुट करेंगे बेटा तो इन अप्रोक्स हमारे पास सवाल का आंसर आएगा 210। नेक्स्ट बच्चों तिरुपति है तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसकी क्या बनेगी बोलो भाई, दोनों टी 7 आने चाहिए क्या, तो बेटा 2t7 आएगा प्रोबेबिलिटी बनेगा 7 factorial, 2t7 कर दिए मैंने उनको बेटा टाई कर दिया, टाई करके बच्चों बांध दिया, तो 7 factorial upon 2 factorial और डिवाइड कैसे करेंगे टोटल केस से, क्या टोटल केस 8 factorial upon 2 factorial × 2 factorial बच्चों, तो सवाल का आंसर हमारे पास आएगा 1/4। ठीक है भाई, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट पे आ जाऊं, अच्छा बेटा ये तो आपके पास है ना इंडेक्स एन इज गिवन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ एम विल हैव 1 इन द यूनिट प्लेस बच्चों, तो 7 का बच्चों पावर 7 का पावर 1 7 पावर 2 बच्चों लास्ट में 9 और 7 पावर बच्चों 3 में क्या है बोलो भाई 3 आएगा बच्चों और 7 पावर 4 बच्चों आपके पास आएगा 1 आएगा, है ना। तो बच्चों फोर्थ जो पावर है ना बेटा वो 1 दे रही है, तो बेटा एवरी 4 पावर के बाद बेटा 1 रिपीट कर रहा है, तो 4 केस में से बेटा ना 1 पर क्या आएगा भाई 1 आएगा बच्चों, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनने वाली बोलो भाई 1/4। नेक्स्ट पा जाओ, 3 different numbers आर सिलेक्टेड फ्रॉम रेंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 numbers इज इक्वल टू 3rd नंबर बच्चों, है ना। तो नंबर कौन कौन सकते हैं बोलो भाई, नंबर सारे डिफरेंट है ना बेटा, तो 2 3 है ना, 2 3 6 बेटा 2 3 मन ले लिया अभी, फिर बेटा 2 4 2 5 2 6
एंड 27। अब बच्चों 3 में आ जाओ भाई, 3 में 3 2 तो आएगा नहीं, तो 3 4 और 3 5, ठीक है भाई। अब बच्चों 4 वाले में क्या बोलो भाई, 4 2 तो आएगा नहीं, 4 3 भी नहीं आएगा बेटा, और 4 6 भी बेटा आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि बेटा प्रोडक्ट क्या बोलो भाई, ज्यादा बच्चों हो गया। तो रिक्वायर्ड केस बेटा आपका 7 अभी है ना, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 7/15C3 बच्चों, डिवाइड करने से तुम्हारे पास सवाल का आंसर बेटा बी बनेगा, सी बनेगा, सॉरी है ना, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा बेटा ये तो सिंपल सवाल है, आप बच्चों जानते हो कि ये तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच्चों। तो आपसे पहले पूछा इसका मिनिमम वैल्यू क्या, तो बच्चों मिनिमम के लिए अपन क्या कर लेंगे अभी, ये 0.75 प्लस ये बच्चों इसका सबसे छोटा मान क्या अभी 0.125, तो बच्चों ये बनेगा आपके पास 0.875 बेटा, डी आंसर सही है बच्चों। नेक्स्ट में मैक्सिमम पूछिए इसकी यार, तो मैक्सिमम के लिए अपन क्या करेंगे अभी बेटा, इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है अभी 1, इसका बेटा ना इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और बेटा इसका मैक्सिमम वैल्यू 0.375, तो बच्चों सेकंड सवाल का आंसर आएगा 1.375। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, एबीसी तुम्हारे पास है ना बेटा, ये वेन डायग्राम से बच्चों बनेगा, बिल्कुल अच्छा सवाल है बेटा, मिनिमम तो बेटा 0.2 आएगा और मैक्सिमम तुम्हारे पास 0.375 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, ए बाइस्ड एंड बाइस्ड को टोस्ट एन टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल इज पी, तो बच्चों पी तुम्हारे पास बनेगा एटलीस्ट 1 के लिए 1/2n, और बच्चों क्यू बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स है ना, 2 टेल्स के लिए बच्चों क्या बनेगा अभी 1 - 1/2n माइनस एन अपॉन 2/n बच्चों है ना। अब पी माइनस क्यू बच्चों तुम्हारे पास क्या बनेगा अभी, पी में से बेटा क्यू माइनस करेंगे अभी, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये बनेगा एन अपॉन 2/n और ये बेटा आपको दे रखा है बराबर 5/32 बच्चों, तो एन ऑब्वियसली बात है क्या बच्चों आ गया 5, तो बेटा एन इज 5, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट पी प्लस बच्चों क्यू के लिए आप है ना इसको फाइंड करेंगे आप, बेटा आपके पास 57/32 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये बच्चों मीन मोड के सवाल है, सिंपली एक्स आई एफ आई करना वैसा ना, तो बी आंसर आएगा इसका, तो और बेटा ये वेरियंस वाला करना नेक्स्ट, बेटा इसका सी आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आ जाओ बेटा, हाईएस्ट नंबर्स बेटा कौन कौन से बुक छांट लो बस, ये वाला ये वाला ये वाला बच्चों, ये वाला 24 वाला, ठीक है ना। हाईएस्ट बच्चों नंबर्स का मीन डेविएशन निकालना है, तो बेटा मीन डेविएशन तुम्हारे पास बेटा ना, पहले का बेटा मीन निकालेंगे अपन, फिर डेविएशन निकाल लेंगे, वो तुम्हारे पास 6 आएगा अभी, ठीक है। सिंपल है, बस फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बहुत आसान सवाल है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों तुम्हारे पास कौन सा भी वेरियंस बच्चों, वेरियंस का फॉर्मूला तुम जानते हो बेटा, ये होता भी एक्स माइनस एक्स आई इसका मोड का स्क्वायर अपॉन बच्चों एन है ना बेटा, ये काउंट आप करेंगे भी लास्ट 5 नंबर्स के लिए, तो वो तुम्हारे पास 46.8 आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स हैविंग 4 एंट्रीज दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 5, और बच्चों साफ साफ लिखा रिपीटेशन इज अलाउड, तो बच्चों रिपीटेशन पहली बार देखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स कौन कौन से पैटर्न की बच्चों बन सकती है, एक तो 1/4 का, एक 4:1 का, एक बच्चों 2:2 का भी, रिपीटेशन बच्चों अलाउड है, तो 4 प्लेस है, तो क्या बनेगा अभी 4/4, इसका भी 4/4, इसका बच्चों 4/4, सबको अपन ऐड करेंगे बेटा ये बनेगा 768 है ना, तो सवाल का आंसर आएगा डी आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, अच्छा बेटा ये तुम्हारे पास -1 to 1 बच्चों इंटरवल दे रखा है -1 to 1 बेटा, इसका अपन ग्राफ बनाएंगे है ना, तो ये तुम्हारे पास ग्राफ यहाँ पे ऐसा, यहाँ बच्चों यहाँ, तो यहाँ बेटा ये पक्का 1 1 बन गया आपको दिख रहा है, लेकिन बच्चों cos पाई एक्स का ग्राफ तुम्हारे पास कैसा आएगा बोलो भी बच्चों, cos पाई एक्स वाला आपके पास ग्राफ आएगा ऐसा बच्चों, ग्राफ आएगा माइनस पाई से लेके पाई वाला है ना, ठीक है, ये बच्चों ऐसा ग्राफ करके आएगा, ठीक है। तो बेटा आपको दिख रहा 1 1 बच्चों नहीं है, तो बेटा सेकंड वाला नहीं है बच्चों, पहला ही केवल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाओ, लेट आर बी रिलेशन ऑन द ओपन इंटरवल है ना -1 to 1 एंड इज गिवन बाई आर एक्स वाई बेटा है ना, तो बेटा ये ऑब्वियसली बात आपके पास क्या बनने वाला भी है, ठीक है भाई बच्चों, लेसन की बात कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक बेटा और ट्रांसिटिव बच्चों है ना, तो ये आपके पास इक्वलेंस बच्चों रिलेशन बन जाएगा, ठीक है ना, क्या बनेगा बोलो यार, ये इक्वलेंस बच्चों रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा भाई, अच्छा बेटा ये तुम्हारे पास अगेन क्या बोलो भाई, ए यूनियन बी यार, तो ए यूनियन बी माइनस का ए यूनियन बी बच्चों है ना, सो इट बिकम 0 बेटा, ये तुम्हारे पास है ना 0 आंसर इसका आएगा, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो, ठीक है। 56 बच्चों देखिएगा नेक्स्ट, अच्छा बेटा आप इसमें ना नंबर है ए बी सी डी और ई है ना, अब बच्चों ना ये तुम्हारे पास नंबर किसमें बोलो भाई,
जीपी में क्या, तो ये सी, तो ये बेटा सी अपॉन आर हो जाएगा और ये बेटा सी आर हो जाएगा, ठीक है। अब जो तुम इसको फाइंड करोगे ना भाई, ये बेटा तीनों एपी के अंदर नंबर आ रहे हैं, तो बेटा आप इसको भी यहां से निकाल सकते हो भैया ना, कि वो जो तीसरा नंबर इसका ये है, तो बेटा फर्स्ट नंबर इसका बनेगा सी इंटू टू माइनस आर अपॉन आर, और बच्चों ये नंबर तुम्हारे पास बनेगा सी आर अपॉन टू माइनस आर। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि पहला इसका पार्ट है ए सी और ई आर इन जी पी, तो बच्चों ए ये रहा, सी ये रहा बेटा आपके पास है ना, और ई बच्चों ये रहा भी, इन दोनों का अपन इंटू कर दें यार, तो सी सी स्क्वायर टू माइनस आर इंटू आर अपॉन टू माइनस आर, है ना बच्चों, ये कैंसिल हो गया, तो सी स्क्वायर बेटा आ रहा है, तो बच्चों जीपी के अंदर नंबर हो गए, ये बेटा सही है, तो बेटा इसके दोनों ही राइट आंसर भी है ना इसके, बच्चों क्या बोलो भाई, बेटा दोनों ही इसके ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी, तो बेटा ऐसा हम जानते हो भैया ना कि लॉग टू बेस एक्स माइनस वन, ये बच्चों बन जाएगा लॉग टू बेस एक्स माइनस तीन का स्क्वायर भी, है ना। अब बच्चों यहाँ पे एक्स माइनस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, बट इसके दो आंसर भी बनेंगे, एक तो x बराबर टू और फाइव, लेकिन बच्चों टू इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, क्योंकि बच्चों टू पे चीज नेगेटिव बन रही है ना, तो सवाल के पास केवल एक ही आंसर आएगा। नेक्स्ट, हाँ बेटा इसको तुम निकालोगे ना भी, तो ये बनेगा वन माइनस का log y बेस x प्लस वन माइनस का log x बेस y बच्चों, है ना, तो ये बनेगा टू माइनस, है ना बच्चों, log y बेस x प्लस वन अपॉन log, है ना भाई, y बेस x बच्चों, ये ऑलवेज क्या, टू से बेटा ऑलवेज ज्यादा है, तो बेटा पूरी संख्या क्या बनगी, लेस इक्वल टू जीरो बेटा, तो कभी भी क्या बोलो भाई, वन बेटा नहीं बन सकता, तो डी आपके सवाल का आंसर सही है। नेक्स्ट बच्चों, मोड ऑफ ए तुम्हारे पास आएगा वन, है ना, तो बच्चों ए इनवर्स हमारे पास क्या बन गया, बोलो भाई, ए इनवर्स बच्चों होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन उसी का डिटर्मिनेंट, तो बच्चों तुम्हारे पास ए इनवर्स किसके, बोलो भाई, बराबर आ गए ए के, स्क्यू सिमेट्रिक बेटा है नहीं क्योंकि डायगोनल नॉन जीरो है बेटा, ये भी तीसरा भी आपके पास सही है, तो बेटा केवल इसके पास फर्स्ट एंड थर्ड आर बोथ करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर टेन, बच्चों आप इसको बैलेंस करो बेटा ना, तो तुम्हारे पास बनेगा वन माइनस एक्स पावर टू पावर, है ना भाई, टेन इंटू एक्स पावर टेन बच्चों, है ना, ठीक है, माइनस वन के साथ, तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर टेन यहां से क्या बनेगा, बोलो भाई, माइनस वन, ठीक, बड़ा ही सवाल का आंसर मेरे पास बी आंसर, ए आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब बेटा ये तो 1 से लेकर 60 तक बच्चों हमारे सवाल थे, अब बच्चों 61 से लेके 120 तक के बेटा लास्ट के 60 सवाल हैं, बच्चों हमारे साथ ही अमित सर आपको बच्चों डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ है ना, आप बच्चों आराम से तसली से आप आंसर भी बच्चों मैच करें आप, ठीक है, थैंक यू, जय सीएलसी। हेलो बच्चों नमस्कार, माई सेल्फ अमित कुमार ठाकुर, टीम मैथमेटिक्स सीएलसी सीकर। अपन अभी एनडीए का रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 1 to 60 तक हमारे ताकर से डिस्कस कर चुके हैं, सो अपन 61 से आगे का डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 61 इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर है। नॉन सिंगुलर इट मीन्स डिटर्मिनेंट इसके जीरो नहीं होंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये गलत हो जाता है क्योंकि ये रिवर्स कर जाता है। इन द सेम वे इसके थर्ड जो ऑप्शन है ये आपको सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इट मीन्स ओनली वन स्टेटमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज, ओके। अब इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई देन ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कर सकता है, जीरो के लिए भी हो सकता है, आइडेंटिटी में भी ऐसा केस होता है, ए क्यू इक्वल्स टू ए देन ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो ये भी नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट इज ओनली राइट आंसर, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं जो ओनली वन ऑप्शन, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये तीनों सेटिस्फाई कर सकता है यूनिट मैट्रिक्स की कंडीशन में, ओके। सो वन टू एंड थ्री ऑल आर राइट। हाउ मेनी फोर डिजिट नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट ऑल ऑफ द डिजिट आर इवन, ठीक है। तो आप इसमें फोर डिजिट नंबर अपन इसमें फॉर्म करेंगे, जिसमें इवेन होने के लिए अपना यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 इससे फॉर्म होगा, ठीक है। तो फोर डिजिट
बनाने के लिए आप डायरेक्टली इसका 4 बॉक्स बनाओ, इस प्लेस पे आप 0 तो नहीं रख सकते, तो इट मीन्स इसको 4 वे में किया जा सकता है। अब रिमेनिंग में रिपीटेशन का ऐसी कोई बात किया नहीं है, इसलिए रिपीटेशन अलाउड हम करेंगे। तो ये 5, ये 5 एंड ये ऑल्सो 5, तो ये क्या 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 हो गया, 5 5 से 25 5 से 125 into 4 that is 500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, ओके, इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ जेड माइनस 100 टू द पावर 3 प्लस 1000 इक्वल टू 0। इसमें आप जेड माइनस 100 टू द पावर 3 इधर आप ले आओगे तो -1000, इसमें क्यूबिक रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें -10 ओमेगा स्क्वायर। फिर आप इसमें से जेड को सेपरेट करोगे, ओके, तो 64 में जो आपका बी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 1 + i होल टू द पावर 4 और दूसरा 1 - i है इज इक्वल टू दिस। आप इसमें डायरेक्टली जस्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको लगाना है ना, इसके भी 5 टर्म होंगे, इसके भी 5 टर्म होंगे, कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, -8, दैट इज डी। 66, देखो, ऑल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ये सही है, ठीक है। द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज 0, दिस इज ऑल्सो राइट। ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ये नहीं हो सकता, सो 1 and 2 ओनली, सो 66 का अपन ए दे देंगे। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन, 4 डिजिट नंबर आर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है, तो पहले आप 4 डिजिट के लिए 4 बॉक्स बनाओ, ठीक है, 4 से डिवाइड होने के लिए क्या होगा, जो यूनिट और टेंस प्लेस का डिजिट है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, उससे जो द नंबर फॉर्म होते हैं, जैसे 1, 2 हुआ, ठीक है, उसके बाद जैसे 3, 2 हुआ, इस तरह से टोटल 2, 2 केस बनेंगे, तो ओवरऑल कितने केस बन जाएंगे, 6, है ना, सो डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 120 इज डिविजिबल बाय 7। तो 2 to the power 120 को आप ऐसा लिख सकते हो 2³ होल टू द पावर 40, ये कितना हो जाता है, 8 टू द पावर 40। अब जब 8 को हम 7 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 1 होता है, इसी प्रोसेस से हम इसको आगे जब एग्जीक्यूट करेंगे तो 68 का फर्स्ट ये आंसर हो जाएगा। 69, अब देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन इज द डिटर्मिनेंट दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है, जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है, अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। फॉर एवरी m ग्रेटर देन n, m की वैल्यू n से बड़ी है। अब इसमें आप देखो, c1 को अगर मैं ये लिख दूं c1 + c2, तो आप एक बार जज करो इसको, 9c4 + 9c3, तो ncr और ncr+1 का प्रॉपर्टीज होता है, तो ये क्या लिख सकते हैं आप, 10c4। इसी तरह इसको 12c6, इसको लिख सकते हैं m+1 c7। अब ये वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू इस तरीके से आएगी, तो जब ये और ये दोनों सेम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, इसका मतलब जो 4 है ये 4 10c4 का, दैट मस्ट बी इक्वल टू n-2, सो वी गेट n = 6, सो 6 इज द राइट आंसर। 69 का क्या हो गया आपका, सी। 70, इफ ए बी सी इज अ ट्राइंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस। आप ऐसा कर सकते हो, टेन बी प्लस सी को आप ऐसे लिख सकते हो, 10π - a, एंड 10π - थीटा क्या होता है, -10θ, सो विच इज इक्वल टू -10a। अब आप क्या करेंगे, रो फर्स्ट के अलॉन्ग इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, रो फर्स्ट के अलॉन्ग जब आप एक्सपेंड करेंगे तो इसके वैल्यू निकल के जाएंगे, वो आएंगे 0।
70, 71. अब देखो, लेट ए एंड बी बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, मीन्स एन का वैल्यू अपना कितना हो गया 3, ओके. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1/2√2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 1/729. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2b एडजॉइंट ऑफ 3a? तो देखो 2b इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a. अब इसको आप अलग अलग सेपरेटली डिटर्मिनेंट लगा सकते हो. दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट. ये हो गया. अब इसका 2 to the power cube कर सकते हो आप, इसका डिटर्मिनेंट भी ले लो. अब इसमें भी एडजॉइंट ऑफ ये है 3a, तो इसका हो जाए 3 to the power n-1, दैट इज 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ a. अब जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा. b का क्या दिया है 1/729. अब जब आप इसको ब्रेक करोगे तो 3 to the power 2, और क्योंकि ऑर्डर 3 है तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 3 to the power 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a जो होगा उसके पावर में क्या होता है n-1, दैट इज 3-1 2. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना निकल के आ जाएगा अपना 1. सो 71 का अपना आ गया ऑप्शन डी. 72 का, इफ जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन i z³ + z²-z+i. अब इसमें एक ये है जो आप इसमें इसको तो रहने दो और इसमें i से मल्टीप्लाई कर दो, या इसको आप राइट साइड ले जाओ फिर i से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक फैक्टर भी कॉमन आएगा. दूसरा एक सबसे अच्छा यहाँ पे ये दिख रहा है, जो z इक्वल टू i अगर हम पुट कर दें तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा. तो इट मीन्स मॉड z कितना हो गया 1 + 1² दैट इज 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 73 का देखो, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट दिस विदाउट रिपीटेशन. तो ये एक समेशन का फॉर्मूला है जिसमें आप सबसे पहले देख लो जो यूनिट प्लेस 0 पर जब हम फिक्स करते हैं तो ऐसे कितने फॉर्म होंगे, और उसके बाद 1, 4, 5 के लिए सेपरेटरी करेंगे. तो इसके लिए तो इसको कितने प्रोसेस से कर सकते हैं 3, 2, 1. तो जब 0 आएगा यूनिट प्लेस पे तब तो 6 तरीके, लेकिन जब ये आएगा 1, 4, 5 तो इसके लिए ये तो 1 हो गया ओवरऑल, यहाँ पे तो 0 आ नहीं सकता, विच इज दिस एंड दिस इज 2, 1. नो, दिस इज 2, क्योंकि 0 तो आ नहीं सकता. सो दैट्स वाई इट इज इक्वल्स टू 4. तो ओवरऑल टोटल जब 1, 4, 5 यूनिट प्लेस पे होंगे तब तो टोटल 4 कंडीशन बनेंगे. अब इस सब को समेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली होता है, आप उसको अप्लाई कर दें, उसके बाद व्हाट यू विल गेट 6440, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स वाई एंड जेड आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई. ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बिकॉज एक्स वाई जेड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है. तो एक्स को आप कंसिडर कर लो 1, वाई को ओमेगा एंड जेड को ओमेगा स्क्वायर. आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दो, आप ओमेगा कॉमन लोगे तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा² दिस इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू समथिंग दैट इज 0. सो 74 का ए ऑप्शन. 75, अ मैन हैज 3 रिलेटिव्स, 4 वोमेन एंड 3 मैन. तो एक मैन ये है, इसके पास 7 रिलेटिव्स हैं, 4 वोमेन एंड 3 मैन. फिर एंड हिज वाइफ, वाइफ के पास भी 7 रिलेटिव्स हैं जिसमें 3 वोमेन एंड 4 मैन है. इन हाउ मैनी वेज कैन दे इन्वाइट 3 वोमेन एंड 3 मैन सो दैट 3 ऑफ देम आर मेन्स रिलेटिव एंड 3 ऑफ देम्स आर हिज वाइफ रिलेटिव. इसका मतलब इसमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है मैक्सिमम 3 सेलेक्ट करना है, और इसमें से भी जो आपको सेलेक्ट करना है मैक्सिमम 3 सेलेक्ट करना है. तभी तो इसके 3 रिलेटिव होंगे और इसके भी 3 रिलेटिव होंगे. अब इसके 3 रिलेटिव कैसे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं 4 में से 3 इसको सेलेक्ट कर लेंगे इंटू 3 में से मैन का एक भी नहीं लेंगे, इन द सेम वे इसके. तो टोटल कॉम्बिनेशन जैसे बनेंगे उसको अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो 75 का जो रिजल्ट निकल के आएगा 485. सबको मल्टीप्लाई करेंगे फिर देन ऐड करेंगे. अ ट्राइंगल पी क्यू आर इज सच दैट 3 पॉइंट्स लाई ऑन द साइड पी क्यू. तो एक पी क्यू आर ट्राइंगल बना लेते हैं अपन, पी क्यू आर. तो 3 पॉइंट इस पे है, 4 पॉइंट ऑन क्यू आर,
इस पे 4 पॉइंट है एंड 5 पॉइंट ऑन पीआर, तो दिस इज 5 पॉइंट. ट्रायंगल आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दिस पॉइंट एज वर्टिसेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू फॉर्म. तो ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हो जो कि नॉन कोलिनियर होना चाहिए. तो टोटल पॉइंट जो है 3 + 4 = 7 + 5 = 12. तो 12 C3 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस पॉइंट से फॉर्म हो सकते हैं. बट कंडीशन ये है जो ये तीनों पॉइंट तो कोलिनियर है, इसलिए इस तीनों पॉइंट से जितने भी ट्रायंगल फॉर्म होंगे उसको माइनस करेंगे. तो -3C3 कर दिया. इस पॉइंट से जो ट्रायंगल फॉर्म होंगे तो वो एक्चुअल ट्रायंगल तो फॉर्म होंगे नहीं, इसलिए इसको भी माइनस करेंगे. 4C3 एंड दिस इज ऑल्सो 5C3. वट यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग, यू विल गेट 76A 205. 77. इफ लॉग ए बेस बी इक्वल्स टू पी, लॉग सी बेस डी 2p, लॉग ई बेस एफ 3p, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए सी ई. आप जस्ट डायरेक्टली यहाँ से करो क्या, ए का वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, बी के पावर में पी. सी का वैल्यू यहाँ से निकालो तो डी के पावर में कितना चला जाएगा, 2p. और एफ का वैल्यू निकालो, नहीं ई का, तो एफ के पावर में 3p. ये जो भी वैल्यू है आप यहाँ पे पुट कर दें तो पावर में पी तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी डी स्क्वायर एंड एफ क्यू. तो 77 का क्या रिजल्ट आ गया अपना निकल करके, ये बहुत इजी क्वेश्चन था. अब जैसे देखो, इफ -√2 and √3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, वेयर a0, a1, a2, a3 आर इंटीजर. अब आप इसमें आप देख सकते हो ये भी इरेशनल रूट है, ये भी इरेशनल रूट है. और जब दो रूट, जब इरेशनल रूट होता है तो इरेशनल रूट हमेशा पेयर में होता है. तो एक रूट अगर -√2 गिवेन है तो दूसरा भी +√2 होगा. इन द सेम वे एक √3 है तो दूसरा -√3 होगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो सम ऑफ रूट क्या हो जाएंगे, 0. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होंगे √2 × √2 and √3 × √3 = 3. और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा. तो जब आप सम ऑफ रूट निकालेंगे तो सम ऑफ रूट -b/a विच इज हियर इट इज a3. सो a3 विल बी 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा दैट इज विल बी +d/a दैट इज a0. सो जब मल्टीप्लाई करोगे आप सो विच इज इक्वल्स टू 6. ठीक है. सो 78 का कितना हो गया, सी. अब इसमें देखें आप, लेट z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेट दैट z1 प्लस z2 अपॉन z1 माइनस z2 इक्वल टू 1, देन व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z1. इसमें आप ऐसा कर सकते हो, z1 इक्वल टू आप पुट कर दो x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू पुट कर दो x2 प्लस आयोटा y2. अब आप इसमें पुट कर दो और दोनों का सेपरेटली आप मॉड ले सकते हो, तब इसमें x1 x2 y1 y2 में एक रिलेशन आएगा. फिर आप देखेंगे रियल पार्ट ऑफ जो z1 z2 जो आपका निकल के आएगा ना, x1 x2 प्लस y1 y2 कुछ इस तरह से आएगा, दैट विल बी 0. सो रियल पार्ट विल बी 0. सो 0 प्लस 1 दैट इज 1. सो 79 का जो आपके आंसर हो जाएंगे 1, दैट इज सी. 80 में देखो, 26 factorial = n × 8^k. 26 फैक्टोरियल को आप ऐसा लिखते हो, 26 × 25 × 24 and so on लिखते हो. इस सब में से 2 का जो पावर है उसको निकालेंगे और 2 को पहले 8 के पावर में लिखेंगे. तो आप यहाँ पे पाएंगे 8^7 × 8^1, इस तरह से कुछ आएगा. तो इसमें आपसे पूछ रहा है देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 7. सो 80 का क्या रिजल्ट आ गया, बी. 81 का देखो, इफ टू साइड ऑफ ए स्क्वायर लाई ऑन द लाइन दिस एंड दिस, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन स्क्वायर यूनिट. आप इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से देखो, तो व्हेन यू विल टेक द कॉमन दैट इज 2, देन वी गेट लाइक 2x + y + 5/2. ठीक है. अब आप देखो इसको और इसको, सो इट सीम्स टू बी पैरेलल. अब जब पैरेलल है तो अपने को पहले ही बोला है जो इस दोनों लाइन पे एक साइड जो है स्क्वायर का, दो साइड इस पे लाई कर रहा है, तो इस दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होंगे वही स्क्वायर के साइड का लेंथ होगा. जब इसका डिस्टेंस आप निकालोगे तो क्या आएगा, 5 × −+3 अपॉन √2² + 1². अब जब डिस्टेंस इसका निकाल दोगे तो इसका जो साइड का वैल्यू आएगा वो निकल जाएगा,
और आपको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाता है, साइड स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 81 का 6.05 आएगा अप्रोक्स। इसके जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आंसर चाहिए, 6.05। यस। क्वेश्चन नंबर 82। अब देखो, ए बी सी इज अ ट्राइंगल विथ ए इज दिस द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी दिस रिस्पेक्टिवली, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जैसे ए का पॉइंट आपको दे ही दिया है, इस दोनों का मिड पॉइंट दे दिया है, तो मिड पॉइंट के जो सेक्शन फार्मूला है उसके कॉन्सेप्ट से आप ये निकाल लो, और आपको सेंट्रोइड निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कर देंगे, तो 82 का जो आपका निकल के आएगा दिस इज 7/3 एंड 7/3। ओके, ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल, टू इक्वल साइड ए बी ए सी लाई ऑन दिस। इस दो लाइन दिया है, इस दोनों लाइन के बीच में एंगल है, एंड सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। और मान लो एक इक्वेशन जो है ना, ये है 7x-y-3=0, और दूसरा लाइन का ये y-5=0। इफ थीटा इज वन ऑफ द इक्वल एंगल्स देन व्हाट इज कॉट थीटा, मतलब ये थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये थीटा भी होगा, क्योंकि जो दो इक्वल एंगल है उसमें एक थीटा है, तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। अब इस दोनों पे टेन थीटा का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, स्लोप फॉर्मूला m1-m2/1+m1m2, इससे ये एंगल निकल जाएगा। अपने को पता है इस तीनों का सम जो होता है, जो भी होगा, इसका एंगल टेन वर्स के फॉर्म में निकला, दैट इज इक्वल्स टू पाई। यहाँ से आपके टेन टू थीटा आ जाएंगे, टेन टू थीटा से आप क्या निकाल सकते हो, टेन थीटा, और जब टेन थीटा आ जाएगा तो कॉट थीटा डायरेक्टली उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो 83 का जो निकल के आ रहा है 1/2। ओके, अब देखो बेटा, इन क्वेश्चन नंबर 84, इन द पैराबोला y²=8x, द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P लाइंग ऑन इट इज 8 यूनिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, दियर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कैन बी दिस। ओके, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस P फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज 8 यूनिट। ये तो डायरेक्टली आप सही कर सकते हो, क्योंकि पैराबोला है और कोई पॉइंट है, इसका अगर फोकल डिस्टेंस ऑलरेडी 8 है तो अपने को पैराबोला का डेफिनेशन से ही पता है, तो पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम होता है, तो इट विल बी ऑल्सो भी इक्वल टू 8। और जब आप इसका 80² 218 ये फॉर्मेट से इसका डिस्टेंस फार्मूला का आप फॉर्मूला लगाओगे, तो ए का वैल्यू वैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हो, 4a = 2, देन a इक्वल्स टू 4a = 8, सो a इक्वल टू 2। आप ये 2 यहाँ पे पुट कर दो, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, टी स्क्वायर को आप टी सपोज कर लेंगे, ठीक है, तो टी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो डेफिनेटली बात है ये निकल के आएगी। तो 84 का जो है सी ऑप्शन सही है, बोथ 1 एंड 2 आर राइट। व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द फोकी टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस इज 90 डिग्री। जैसे ये एक एलिप्स है, ठीक है, सपोज कर लो आप ऐसा, अब इसके जो कोऑर्डिनेट है 0b, एंड दिस इज ऑल्सो a0, एंड फोकस इज ae, 0, एंड दिस इज -ae, 0, और इस दोनों के बीच में अपने को बोल रहा है दिस इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला लगा दो, m1 और m2, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 लगा देंगे, इससे abe में एक रिलेशन आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला होता है ये वाला, b² = a² × 1 - e², यहाँ से बी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे आप रखेंगे तो e का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 1/√2। ओके, नेक्स्ट 86 का, a इज दिस एंड b इज दिस, a क्रॉस b क्रॉस a इक्वल्स टू α i - β j + γ k, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ α β γ, तो देखो आपको अल्फा बीटा एंड गामा निकालने पड़ेंगे, इसके लिए क्या करेंगे आप b क्रॉस a निकालोगे, दिस इज ऑल्सो अ वैक्टर, ठीक है, अब उसके साथ a का फिर से क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है, अब जो वैक्टर आएगा उसको आप कंपेयर कर दोगे अल्फा बीटा गामा से, अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू निकलेगा वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, तो फिर 86 का जो रिजल्ट आके आएगा आपके 8 आएगा, 86 का a, है ना, इजी क्वेश्चन है ये। अब देखो, इफ अ वैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट
makes an angle pi by 3 with 2i, pi by 4 with 3j, and acute angle theta with 4k. Then what are the component of the vector? Component का मतलब क्या हुआ, जो i j k का coefficient. आप just एक vector suppose कर लो, x i y j plus z k, ठीक है. अब इसकी magnitude अपने को पता है, that is magnitude of this is 2. तो x y z में एक ये relation है. अब ये जो वेक्टर है पाई बाई थ्री एंगल बना रहे 2i के साथ, फिर यहाँ पे a डॉट b, a b cos थीटा लगा देंगे. इस तरह से इसमें भी a b cos थीटा, इसमें भी लगा देंगे a डॉट b इक्वल टू a b cos थीटा. इससे थीटा में एक रिलेशन आ जाता है. एक्स और वाई डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो, और जो जेड है क्योंकि 4k के साथ आपका जेड निकल के आएगा, तो जेड का वैल्यू थीटा के टर्म्स में आएगा. तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आप जो इसका मॉड इक्वल टू 2 है इसमें आप पुट कर दोगे, ठीक है. तो इसके 87 का जो रिजल्ट निकल के आएगा 1, √2, 1, ठीक है. यही कॉम्पोनेंट हो गया. 88, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है. ये थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स का प्रॉब्लम है. द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब जिस पॉइंट पे अपन फोर्स अप्लाई करते हैं उससे उसका फोर्स का मोमेंट जो है ना इंडिपेंडेंट होता है. ये दिस इज राइट स्टेटमेंट. द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन इज वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक राइट स्टेटमेंट है. सो बोथ 1 and 2 आर राइट. सो 88 का सी. 89, फॉर एनी वेक्टर आर व्हाट इज आर डॉट आई ऑफ आर क्रॉस आई, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी एक स्केलर वैल्यू आएगी, आर क्रॉस आई एक वेक्टर आएगी, तो ये स्केलर वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इन द सेम वे इसमें करेंगे. आप इसके लिए सिंपल सा क्या करो, आर का वैल्यू कोई वैक्टर सपोज कर लो ए आई बी जे प्लस सी के. अगर इसमें कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये आपको कर दो. आर क्रॉस आई निकालना कोई बड़ी बात नहीं. अब सबको ऐड करोगे यू विल गेट द रिजल्ट 0. 89 का ए हो गया. 90 का देखो, लेट ए एंड बी आर टू वैक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4, मीन्स ए का भी मैग्नीट्यूड 4 है आपका, इन द सेम वे बी का मैग्नीट्यूड है. देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड ए माइनस बी, मीन्स ए एंड ए माइनस बी इसके बीच में एंगल निकालना है. तो इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे इक्वल टू दिस का मॉड, मीन्स ए डॉट ए माइनस बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड ऑफ ए माइनस बी इन टू कॉस थीटा. अब यहाँ पे ए बी का मैग्नीट्यूड 4 है, तो ए और बी के बीच में एंगल वैसे भी पाई बाई 3 दिया है, तो इससे आप ए डॉट बी निकाल लोगे और इसका इस रिजल्ट में यूज कर लेंगे, ठीक है. तो 90 के जो आपके आंसर आ जाएंगे दैट इज पाई बाई 3. 91, अब देखो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे ए साइन एक्स बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स डी कॉस एक्स, इस तरह का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो इसके पार्टीशन पार्शियल फ्रैक्शन का एक बेसिक सा मेथड है, जिसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन 2 पार्ट्स में होंगे प्लस कांस्टेंट, उसके बाद सेपरेटली इंटीग्रेट करोगे डायरेक्टली इसके रिजल्ट निकल जाएंगे आपके. तो 91 का जो वैल्यू निकल के आएगा दैट इज अल्फा, जब निकल जाएंगे आपको कंपेयर जस्ट कंपेयर करना है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 7. एंड 92, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, इसमें भी जैसे आप एक बार इंटीग्रेट करोगे तो अल्फा बीटा दोनों को कंपेयर करके आप निकाल सकते हो. सो 92 का भी ए दैट इज 7. अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स दैट फॉलो, लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस डिक्रीजिंग. तो सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे, इसके एफ डैश एक्स निकालेंगे. एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन ऊपर का नीचे से मल्टीप्लाई एल एन एक्स माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन इससे मल्टीप्लीकेशन 1/x अपॉन एल एन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है. अब एफ डैश एक्स का वैल्यू देखो 0 कहाँ पे होगा, एल एन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, इसके बेस में e है दैट इज e, ठीक है. तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल e टू इन्फिनिटी, आप देख सकते हो ये इससे पॉजिटिव होगा, इससे पहले नेगेटिव होगा, ठीक है. ओके, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 1, e, ठीक है. एंड 9 ln 7 इज ग्रेटर देन 7 ln 9, डेफिनेटली बात है ln 7 की वैल्यू बहुत छोटी होगी, ln 9 की वैल्यू भी बहुत छोटी, मतलब पॉइंट समथिंग में जाएगा, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग लाइक दिस. तो जब आप कंपेयर करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू ज़्यादा होगी,
सो 1, 2, 3 ऑल आर राइट, ठीक है। 93 का आपका डी हो गया। 94 एफ डबल डैश ई, जो इससे पहले आप निकाले थे एफ डैश एक्स, उसमें डबल डैश एक्स निकालना है, ये पुट करेंगे आपका 1/a आएगा। एफ एक्स मेंटेन लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू, ये भी सही है, ठीक है। ए लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज ई, तो एफ एक्स की जो लोकल मिनिमम वैल्यू एफ एक्स आ रहा है उसकी ई है। इसमें आप जो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे उसी से इसका रिजल्ट आप कंपेयर करके देखेंगे ई पे, तो आप देखेंगे ऑल आर राइट। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स दैट फॉलो, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन सच दैट जी एक्स इज दिस, फॉग ऑफ एक्स इज दिस। फॉग को आप कैसे लिख सकते हो, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 1/x³, ठीक है। यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दैट इज एक्स माइनस 1/x² का होल क्यू माइनस 3 × x × 1/x, दैट इज 1 × x − 1/x। अब देखो x माइनस 1/x किसको बोल रहे हैं, जी एक्स को, सो इट बिकम्स जी एक्स का होल क्यूब प्लस 3 ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स को अगर टी से रिप्लेस कर दें तो ओवरऑल यू विल गेट एफ टी विच इज टी क्यू प्लस 3t। इन द सेम वे टी को x से रिप्लेस कर दो, सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x। अब ये एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो एक्स क्यू प्लस 3x माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अपना ओवरऑल क्या निकलेगा, जी ऑफ एक्स क्यू। इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे एक्स को एक्स क्यू से रिप्लेस कर देंगे, ओके, सो वी विल गेट 95th का ए ऑप्शन। 96, अब ये जो आपका 95 है इसमें आपको एफ एक्स आ ही चुका है ना, और आपको इसमें निकालना क्या है, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स। तो इसको आप क्या करेंगे, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, दो बार तो 3x² ये 3, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, 6x, तो 96 का अपना क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। अब देखो एफ एक्स इज मॉड एक्स प्लस 1, जी एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1, वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखो अगर हम एफ एक्स की थोड़ा सा बात करें तो एफ एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा अपना, मॉड एक्स प्लस 1, एक्स की 0 इन दिस वे, और जी एक्स का जो भी ग्राफ बनेगा अपने को पता है हर एक इंटीजर पॉइंट पे ये ब्रेक करेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एफ एक्स इज डिफ्रेंसिबल फॉर ऑल एक्स लेस देन 0, जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स 0.00, मतलब इस पे आपको चेक करना है जो कंटिन्यूस है क्या 0.00, एफ एक्स इज डिफ्रेंसीबल आपको दिख रहा है 0 से छोटे पे डिफ्रेंसीबल होगा, द डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2.5 इज 1, तो जी एक्स अपना ये है तो 2.5 पे इसका कभी भी इसके जो लाइन बन रहे हैं उसका स्लोप जो है 0 है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है 0 होएगा, सो डेरिवेटिव ये, तो 97 का जो है 1 and 2, दिस टू आर राइट, सो 97 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 98, इसी से लिंक है, आपको एफ एक्स यहाँ पे पुट करना है, जी एक्स यहाँ पे, 0 माइनस इसका मतलब क्या हुआ, जो 0 माइनस एच, तो x को आप 0 माइनस एच से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे इसके वैल्यू निकल के आएगी माइनस एच, जस्ट आप इसको पुट करो 0 माइनस और 0 प्लस पे आपका इसका वैल्यू निकल, सो 98 का जो निकल के आएगा आपका −3/2। इसमें देखो कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स, लेट साई अल्फा इक्वल्स टू ए टू ए, इंटीग्रेट करना 100 पे, ये पीरियोडिक है, तो जस्ट प्रॉपर्टीज लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पीरियोडिक है, सो आप इसको 0 to 100 पाई कर सकते हो, तो जो भी रिजल्ट आएगा मॉड साइन एक्स, ठीक है, तो इसको 100 ऑफ 0 to π मॉड साइन एक्स लिख देंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 से π में क्या आ जाएगी, 2 × 100, सो इसके रिजल्ट कितने निकल गए आएंगे, 200, तो 99 का क्या हो जाएगा आपका, डी, साई ए का वैल्यू। अब व्हाट इज साई डैश ए, तो वैसे भी वो कांस्टेंट आया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, 0, तो 100 का ए, 101। अब देखो यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी, इसमें तो आप इजी सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 2 cos A + B/2 × cos A − B/2, और नीचे में ऑलरेडी cos A − B/2 है, तो इससे तो ये कट ही जाएगा, ठीक है, और सी 60 है तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 120 / 2 कितना हो गया, 60, cos 60 कितना होता है, 1/2,
सो 1/2 × 2 कितना हो जाएगा कैंसिल होकर के 1। सो 101 का वैल्यू कितना आ गया 1, दैट इज सी। 102 में देखो डियर, आप इसको ऐसा लिख सकते हो कॉट ऑफ दिस का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये। उसके बाद रूट अंडर 15 के साथ जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 102 का जो रिजल्ट निकल के आ रहा है सी, दैट इज 8। 103, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन 10 माइनस साइन 50, साइन 50, साइन, इसमें आपको जस्ट क्या करना है, पेयरिंग बनाना है। एक्चुअली आई थिंक दिस इज मल्टीप्लीकेशन, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, यू विल गेट द रिजल्ट 103। 103 का जो आपका रिजल्ट आएगा -3/4। 104, वॉट इज द 10 इनवर्स ऑफ दिस दिस। एक तो यहाँ पे डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 10 इनवर्स a - 10 इनवर्स b, अदरवाइज आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो a बाई बी का फॉर्मेट लाओगे। इसलिए a बाई बी के फॉर्मेट लाने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में b से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, b से डिवाइड कर देंगे, और फिर यहाँ पे माइनस कॉमन लेके 1 को 10 π/4 लिख देंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 104 का जो आपका रिजल्ट निकल के आ गया π/4, ये एक्चुअल में कैंसिल हो जाता है। 105, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज दिस इन x हैव ए रियल रूट। दिस x रियल है, ठीक है, तो रियल है इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे आप तो cos स्क्वायर b माइनस, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac cos b बीटा माइनस 1 4a दैट इज सी, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस ए प्लस, और अपना जो आंसर है ना 1 माइनस कॉस बीटा के फॉर्म में है, तो 1 माइनस कॉस बीटा अगर 0 हो जाए तो ये 0 कब होगा, जब कॉस बीटा बीटा 0 होगा, और जब ये 0 हो गया तो बीटा जब 0 यहाँ पे पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो इट मीन्स ये तो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी दिस, बी सी दिस, ए सी दिस, आप गौर करके देखो ए बी जो है यहाँ पे 16 गिवन है और बी सी कितना गिवन है 63, ए सी कितना है 65। यहाँ से एक छोटा सा आपको ये अगर क्लिक कर जाता है जो इस दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब एंगल बी जो है डायरेक्टली आपको पता चल गया 90 डिग्री, है ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसके कारण क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद बी का वैल्यू 90 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 180, सो विच इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो 106 का ए आ जाएगा। 107, अब देखो एफ थीटा इज दिस, अल्फा प्लस बीटा इज दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ अल्फा इंटू एफ बीटा। एफ अल्फा इंटू एफ बीटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे एफ अल्फा और फिर एफ बीटा, इससे एफ अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा 1/1 + 10 α इंटू 1/1 + 10 β, ठीक है। इसके जो भी रिजल्ट आएंगे उसको आपको रखने हैं, और ये जो सेकंड कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5π/4, अब दोनों साथ इसमें दोनों साइड में 10 अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 10 a + b अप्लाई करेंगे और इस रिजल्ट का यूज कर लेंगे। सो 107 में तो इसके रिजल्ट निकल के आएंगे बी 1/2। 108, इफ 10α and 10β आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2α + β। अब 10α and 10β इसके रूट हैं तो आप ऐसा लिख सकते हो 10α + 10β इज इक्वल टू -b/8, दैट इज 6, एंड 10α × 10β दैट इज c/a विच इज 8। अब आपको cos a प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, तो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा इसका 10 में फॉर्मूला आता है 1 - 10² α / 1 + 10² α, उसमें इस वैल्यू का आप डायरेक्टली यूज कर लेंगे तो 108 का जो आंसर निकल के आएगा दैट इज 13/85। 109 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 (65), 2 (10)40 - 2 (10)40 - 2, इस दोनों पे आप अप्लाई कर सकते हो 10c - 10d, तो वैसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते नहीं, आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो या आप ऐसे लिख दो 65 - 25
विच इज इक्वल्स टू 40, यहाँ पे 10 अप्लाई कर दो तो रिजल्ट निकल के आएगा वो 210 40 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। सो 109 का जो वैल्यू निकल के आएगा, एक्चुअली ये कैंसिल हो, इस दोनों का रिजल्ट ये आएगा, इससे ये माइनस 210 40 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना 210 45। तो 1045 कितना होता है 1, तो 1 × 2 दैट इज 2, 109 का जो रिजल्ट निकल के आएगा सी 10। इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी ग्रेटर देन 0 देन दैट ट्रायंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये सही है क्योंकि अगर एक्यूट एंगल होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो डेफिनेटली बात है जब एक्यूट एंगल है सभी 0 से 90 के बीच में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सबके सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इन अ ट्रायंगल इफ tan tan बी tan सी ग्रेटर देन 0 देन द ट्रायंगल इज एन ऑब्टिस एंगल। तो ऑब्टिस एंगल इसका मतलब एटलीस्ट वन एंगल जो होगा 90 से बड़ी होगी, और कम से कम क्या मैक्सिमम वन एंगल ही ऑप्टिक्स हो सकता है, तो एटलीस्ट वन इसमें जो वैल्यू होंगे वो तो नेगेटिव होंगे ही होंगे। दैट्स वाई ये क्या होना चाहिए लेस देन 0। तो इसमें क्या होगा सिर्फ फर्स्ट जो है ये वाला राइट होगा, तो 110 का जो निकल के आ गया अपना ए दैट इज फर्स्ट इफ द फोर्थ टर्म ऑफ इन द एक्सपेंस। ये तो ईजी है, डायरेक्टली फोर्थ टर्म है तो एन सी 3 लगा देंगे एम एक्स टू द पावर एन माइनस 3 and 1 by x के power 3, you just have to compare with the coefficient that is 5/2, you will get the value of n and m. Then what is the value of m and just आपको multiply करना है, 111 का जो result निकल के आएगा that is 3. If a, b, c are in GP, then consider the following statement. Okay, the equation has imaginary the ratio of the root of the equation. तो a, b, c GP में है, तो आप थोड़ा देख के suppose कर लो, जो this is 1, 2 and 4, okay. So equation becomes x square plus 2x plus 4 equals to 0. तो ये तो फिक्स है, रूट्स इमेजिनरी होंगे। अब इसके जब आप रूट निकालोगे तो आप देखोगे उसके रूट्स का रेशियो भी 1:ω आता है, और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दिस। आप इसी एग्जाम्पल को लेकर इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, देन यू विल गेट ऑल द ऑप्शन आर राइट। तो 112 का आपका हो गया फोर्थ ऑप्शन। देखो बेटा 113 नंबर क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मीन्स आपको एक्स के इंटीग्रल वैल्यू के लिए इस कंप्लीट इसका वैल्यू इंटीजर आना चाहिए, देन एम मस्ट बी एन इंटीजर। तो देखो एम अगर इंटीजर नहीं लेते हैं तो एक्स का वैल्यू अपने को इंटीजर लेना है, तो ये एक्स स्क्वायर भी इंटीजर देगा एक्स भी इंटीजर देगा, तो इस टोटल की वैल्यू इंटीजर आने के लिए m और n भी इंटीजर होना चाहिए। सो आई थिंक फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन से m मस्ट बी इंटीजर n मस्ट बी इंटीजर, सो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। सो 113 का आपका सी ऑप्शन राइट है। इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y होल टू द पावर 2n+1 इनटू दिस द सम ऑफ मिडिल टर्म इज 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें क्या करो आप n के जगह पे 1 पुट कर दो, ठीक है, तो x प्लस वाई के पावर में 3 निकल गया, x प्लस वाई टू द पावर 3 एंड x माइनस वाई के पावर में 3। अब दोनों के पावर में सेम है तो होल पावर लगा देते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो इसके टोटल कितने हो गए 4 टर्म। आप कंपेयर कर देंगे देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से आपकी आ जाएगी विच इज 1। लेट ए इज 1 2 3 4 5, बी इज दिस, वट इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखो ऑन टू फंक्शन के लिए तो एक टेक्निक्स भी है, फॉर्मूला भी है जो नाउ में ऑन टू फंक्शन इज पॉसिबल। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, इसमें 1 2 3 4 5 ए में है और बी में कितने एलिमेंट हैं 6 एंड 7। अब थोड़ा देर के लिए हम ये सोचते हैं जो कौन सा केस है जिसमें ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, तो या तो इस सभी का इमेज जो है 6 हो जाए, एक तो ये केस है, दूसरा इस सभी का इमेज 7 हो जाए, तो ये दो केस है जिसमें ये फंक्शन इनटू होगा, ठीक है, तो टोटल दो केस है। अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 2 to the power n दैट इज 2 to the power 1 2 3 4 5 विच इज इक्वल्स टू 32, ठीक है। सो 32 - 2 कितना रिजल्ट आ गया निकल के आपका 30। सो 115 का कितना हो जाएगा सी। 186 व्हाट इज √3 cos 10 - sin 10 / sin 25 cos 10। आप इसमें ऐसा करो दोनों में 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, मींस
आप ये जो है न्यूमरेटर में, इसमें भी आप 2 से डिवाइड कर दो और इसमें भी कर दो, ठीक है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और 2 साइन 25 कॉस 25, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब डायरेक्टली यहाँ पे √3/2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 60, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 116 का जो निकल के आएगा आंसर, दैट इज सी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 117, आप नॉर्मल सी बात है साइन 9 और कॉस 9 के वैल्यू में सोचो। तो साइन 9 का वैल्यू आप साइन 18 का अगर जानते हो उसके थ्रू निकाल सकते हो, कॉस 9 भी सेम वे निकाल सकते हो। तो साइन 9 और कॉस 9 का जब वैल्यू लेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो √5 - √5 के फॉर्मेट में आएगा। तो सब के सब ये तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ऐसे ही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करके देखो, साइन 9 जो होगा वो कॉस 9 से छोटा है, तो डेफिनेटली द वैल्यू विल बी नेगेटिव, सो द फर्स्ट आंसर इज राइट। तो 117 का आपका क्या हो गया, ए। अब इन अ ट्रायंगल एबीसी साइन क्यू ए साइन क्यू बी साइन क्यू बी 3 साइन ए साइन बी साइन सी। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आप ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो साइन ए के जगह पे आप ऐसा यूज कर सकते हो के ए, के स्मॉल ए, तो ये के तो कैंसिल हो जाएगा के क्यू होकर के, तो ये बचेगा कितना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। और ये कौन सा कंडीशन होता है, जब होता है पॉसिबल व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज 0 और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इतना वैल्यू अपने को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पता चल गया। अब बोल रहे हैं देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, आप इसमें कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर दो, R1 को लिख दो आप R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसे लिखोगे तो R1 में क्या हो जाएगा, टोटल के टोटल a प्लस बी प्लस सी आ जाएंगे, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, जैसे ही 0 पुट करेंगे तो R1 के सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 0। सो 118 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 119, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। आप सोच सकते हो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक ही बार कट करता है, आप डायरेक्ट अंदाजा भी लगा सकते हो कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स का बराबर होगा, मींस एक्स की क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि थीटा सेम हो जाए। सो 1/√2 हम जानते हैं 45 पे दोनों सेम होता है। सो 119 का क्या आ गया आपका सी। 120, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वल टू 2। देखो आप इसका एक बार होल स्क्वायर को ब्रेक करो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, वो साइड गई, तो क्या हो जाएगी 1 माइनस, ये माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज 1। तो ओवरऑल इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा, माइनस को उधर ले जाओ तो कितना हो गया माइनस। अब जो अपने को सोल्यूशन ढूंढने हैं माइनस पाई से पाई के बीच में, एक तो ये आप जनरल सोल्यूशन से भी कर सकते हो, दूसरा आप ग्राफिकल अप्रोच भी ले सकते हो। जो पहले थीटा साइन थीटा, जब थीटा पाई बाई 2 होता है तब 1 होता है, लेकिन यहाँ पे पाई बाई 4 पे ही 1 हो जाएगा, ओके ये पाई बाई 4 और पाई बाई 2 पे तो 0 हो जाएगा, तो एक्चुअल में ये श्रिंक कर जाता है। सो माइनस 1 एक्चुअल में आपके 2 टाइम्स आएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 2। ओके थैंक यू।